गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हमारा नेचुरल फिनोमिनन। नेचुरल फिनोमिनन जो कि आप समझते हैं कि हमारे जितने भी नेचर में प्रोसेस हैं उन सब को हम नेचुरल फिनोमिना बोलते हैं। हम इस चैप्टर में कुछ हमारे नेचुरल फिनोमिना जो कि हमारा डिस्ट्रक्टिव इन नेचर हैं उनमें सबसे पहले हम लाइटनिंग को स्टडी करने वाले हैं। और लाइटनिंग का चैप्टर आपने सेवन्थ क्लास में भी रीड किया था, जिसमें आपने लाइटनिंग के प्रोसेस के बारे में, सेफ्टी मेजर्स के बारे में और स्ट्रॉम और थंडर के बारे में भी स्टडी किया था। तो इस लेसन में हम लाइटनिंग को कुछ और डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लाइटनिंग। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो, ये लाइटनिंग की कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हमारे स्काई में हम बारिश के दिनों में आसानी से देख और सुन सकते हैं। लाइटनिंग के समय आवाज़ भी उत्पन्न होती है और लाइटनिंग मीन्स रोशनी भी होती है। तो हम दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है वो लाइटनिंग आप स्काई में बारिश के दिनों में अच्छे से देख पाते हैं। वास्तव में लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है इसके बारे में सबसे पहले बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जो कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि कैसे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और ये सब उन्होंने प्रूव किया किससे, एक एक्सपेरिमेंट से। और वो एक्सपेरिमेंट था काइट एक्सपेरिमेंट। काइट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ही मेक ए काइट ऑफ सिल्क एंड ही यूज ए मेटेलिक की अटैच टू द स्ट्रिंग ऑफ द काइट एंड व्हेन द लाइटनिंग इज स्ट्राइक टू द काइट देन की इज चार्ज्ड। आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट ही वाज फेमस बट हिज स्टडी इज एक्सेप्टेड आफ्टर 2000 years of his discovery. So we can see the diagram of this experiment also. In this he fly his kite in the sky during a rainy day. He conducted this experiment with the help of his son in the rainy day. He proved that there are two types of charges, positive charges and negative charges. उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस का प्रोडक्शन कैसे होता है, चार्जेस कैसे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो चार्जेस जो हैं वो तीन तरीके से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में हम तीन तरीके से चार्जेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रीफ में ही है ये, ज़्यादा डिटेल में है नहीं है। वैसे आपकी बुक में केवल इतना ही दे रखा है कि वी कैन प्रोड्यूस द चार्जेस बाय रबिंग। रबिंग वही है फ्रिक्शन में, मीन्स जब हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं, तो उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। उसके बाद है चार्जिंग ऑफ कंडक्शन। व्हेन वी कम टुगेदर द टू ऑब्जेक्ट, वन इज चार्ज एंड अनदर इज नॉट चार्ज, देन वी कैन टच द ऑब्जेक्ट टू द अदर, देन अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम चार्ज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। एंड थर्ड प्रोसेस इज चार्जिंग बाई इंडक्शन। इन दिस प्रोसेस ऑल्सो वन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाई अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट, बट हाउ वी कैन चार्ज दिस ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग, वैन वी चार्ज एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट विद ए चार्ज ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो आप कुछ डायग्राम देख सकते हैं जिसमें जो चार्जिंग है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि ये जो फिगर है हमारा, ये वाला फिगर, इसमें एक गर्ल दिखाई गई है। उसने कॉम्ब ले रखा है प्लास्टिक का और वो अपने हेयर से रब कर रही है, और उसके बाद उसी कॉम ने जो हमारे पेपर के छोटे छोटे पीसेज हैं उसको अट्रैक्ट कर लिया है, मीन्स जो कॉम है वो चार्ज हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक जो बॉय है उसने प्लास्टिक का पैन ले रखा है हाथ में, और उसको अपने वूलन क्लोथ से उसने रब किया है, और वूलन क्लोथ से रब करने के बाद वो पेन क्या करता है, कागज़ के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरीके से थर्ड फिगर में आप देख पा रहे हैं
कि कोई प्लास्टिक का बोर्ड है और उसको हमने रब कर लिया है कॉटन से, और इस तरीके से प्लास्टिक का बोर्ड भी क्या कर रहा है, छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो, ये पीसेस हो सकते हैं हमारे ड्राई ग्रासेस के, हो सकते हैं हमारे यहाँ पर शायद छोटे छोटे फ्लावर्स दिखाए गए हैं जो कि अट्रैक्ट हो रहे हैं किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से। उसके बाद है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ चार्जेस। जैसे अभी हमने पढ़ा कि चार्जेस को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो अब हम कंफर्म करेंगे कि वास्तव में ये ऑब्जेक्ट चार्जेस थे या नहीं थे, क्योंकि जो हमारा चार्जेस का कंफर्मेशन टेस्ट है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन ही है। तो कैसे हम चेक करेंगे, आप देख लेते हैं। ये फिगर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो बैलून हैं और यहाँ पर इन बैलून्स में रिपल्सन दिखाई दे रहा है। तो करना क्या है हमें, हम दो बैलून लेंगे, इन्फ्लेटेड बैलून्स, और उनको हम किसी वुलन क्लोथ से रब करके चार्ज कर लेंगे दोनों बैलून्स को, और हम चार्ज करने से पहले उनको इस तरीके से किसी जगह हैंग कर देंगे, और हैंगिंग का प्लेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की जो एयर है वो ब्लो ना कर रही हो, नहीं तो ये जो बैलून्स हैं वो अपने आप ही अट्रैक्शन या रिपल्सन दिखा सकते हैं। तो हमें यह देख लेना है कि जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी हम इसको हैंग करेंगे बैलून्स को, वहाँ पर पंखा नहीं चलना चाहिए, कहीं इधर उधर की हवा नहीं आनी चाहिए, और वो इतनी दूर भी हमने नहीं हैंग करने हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्शन और रिपल्सन दिखाई ना सके। मीन्स वो इतने पास भी ना हो कि टच कर जाए, वो इतने दूर भी ना हो कि वो अट्रैक्शन और रिपल्सन ना दिखा पाए, क्योंकि हमने दोनों बैलून को वूलन क्लोथ से ही चार्ज किया है, तो इसमें आप रिपल्सन देख सकते हैं। इसी तरीके से हम अगले फिगर में देख पा रहे हैं। अगले फिगर में क्या किया है, हमने एक बैलून को किसी प्लास्टिक रिफिल के पास लेकर गए हैं, तो यहाँ पर जो प्लास्टिक रिफिल है वो भी चार्ज ऑब्जेक्ट है और जो बैलून है वो भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो हमें इनमें देखना है कि वो अट्रैक्शन होता है कि रिपल्स होता है। तो हमारे जो प्लास्टिक के रिफिल हैं उनको हम चार्ज कैसे करेंगे, उनको हम किसी पॉलीथीन सीट से या पॉलीथीन बैग से रब करने के बाद उनको हम चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, ये रिफिल हैं जो कि किसी ग्लास में पास पास रखे हुए हैं, और ये दोनों रिफिल जो हैं वो अट्रैक्शन या रिपल्सन दिखाएंगे, वही ये भी रिपल्सन दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों ही रिफिल का मटेरियल सेम है और दोनों को ही हमने पॉलीथीन पेपर से, पॉलीथीन बैग से रब करके चार्ज किया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, अगले फिगर में देखेंगे हम, यहाँ ड्रामेटिकली आपने बैलून्स को दिखाया है कि किस तरीके से हम उनके पास जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उनको एक दूसरे के पास लाकर हम देख सकते हैं कि उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। तो ये आप अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और सेम चार्जेस रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ हम कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है कि हमारे जो हमने बैलून का देखा, रिफिल का देखा, हमने बैलून और रिफिल का देखा, तो वो क्या हमारे रिजल्ट क्या रहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं रिजल्ट में यहाँ पर हमारे ए चार्ज बैलून रिपेल, ए चार्ज बैलून कि एक चार्ज बैलून दूसरे चार्ज बैलून को रिपेल करता है। वो क्यों रिपेल करता है, क्योंकि उन दोनों पर सिमिलर चार्ज है। सिमिलर चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ कि एक बैलून को जब हमने किसी वुलन क्लोथ से रब किया तो वो चार्ज हो गया, तो दूसरे बैलून का भी हमने वुलन क्लोथ से ही रब करके चार्ज किया है, इट मीन्स दोनों पर सिमिलर चार्ज है। उसके बाद है ए चार्ज रिफिल रिपेल ए चार्ज रिफिल, इसी तरीके से एक जो रिफिल है प्लास्टिक रिफिल है वो दूसरे प्लास्टिक रिफिल को, अगर वो दोनों चार्ज किए हैं हमने कैसे पॉलीथीन बैग से रब करने के बाद, तो वो भी रिपल्सन ही दिखाएंगे क्योंकि उन पर भी सेम चार्जेज है। अगले में हम देख पा रहे हैं कि एक जो चार्ज बैलून है वो रिफिल को अट्रैक्ट करता है, वो इसीलिए अट्रैक्ट करता है कि एक पर अलग तरह का चार्ज है और दूसरे पर अलग तरह का चार्ज है। तो वो अलग तरह का चार्ज हमें कैसे पता चलेगा कि अलग तरह के चार्जेज है, क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग है और दोनों को हमने अलग अलग चीज़ों से रब करके ही चार्ज किया है। इट मीन्स दे कैन, वी कैन से दैट दे हैव दैट डिसिमिलर चार्जेस।
उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस, यानी कि जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं। अभी आपने जो 1, 2, 3, 4 एक्टिविटीज़ ऊपर देखी हैं उनसे भी एक्टिविटीज़ में भी हमें ये इस बात की सेफ्टी रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाए तो वो हमारे किसी दूसरे बॉडी पार्ट से टच ना करे। अगर वो टच हो जाता है तो वो उसका जो चार्ज है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस के लिए हम क्या करेंगे, हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं ग्लास जार है हमारे पास। ग्लास जार में हमने ये जो ग्लास जार है ये वाइड माउथ का लिया है हमने और ये ट्रांसपेरेंट भी है। तो इसको कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए हम एक पेपर क्लिप पिन लेंगे और उसको हम पास करवा दिया किस में से, कार्डबोर्ड में से। कार्डबोर्ड में से देखो ये पिन को हमने इसमें से पास करवाया है और ये पिन यहाँ पर अंदर पास करते हुए हमने यहाँ को इसको इस तरीके से टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद हमने दो एल्युमिनियम जो फॉइल होती है हमारी एल्युमिनियम फॉइल उनकी स्ट्रिप काटनी है। कैसे काटेंगे कि हम उन्हें 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1 सेंटीमीटर वाइड की दो स्ट्रिप लेंगे और उन दोनों स्ट्रिप को हमने देखो यहाँ पर इस तरीके से हैंग कर दिया है। अब हम इसको उपयोग में कैसे लाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस होते हैं हमें करना क्या है कि ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो वायर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें अपना जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर लेकर आना है। जैसे ही ये इस वायर से टच होगा जो चार्जेज हैं वो ट्रांसफ़र होकर नीचे स्ट्रिप तक आ जाएंगे, उनमें हम रिपल्सन देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो स्ट्रिप हैं ये एक दूसरे से दूर दूर हैं, इट मीन्स उन्होंने रिपल्सन दिखाया। रिपल्सन क्यों दिखाया है, क्योंकि उन दोनों पर जो चार्ज हैं वो सिमिलर हैं। कैसे हुए सिमिलर, क्योंकि हमने यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को टच करवाया तो उस पर एक ही चार्ज था और वही चार्ज जो है वो इन दोनों स्ट्रिप पर आकर एक्युमुलेट हो गया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर चार्ज हैं और ये एक दूसरे के रिपल्सन दिखाते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को हम सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इसी तरीके का इलेक्ट्रोस्कोप आप लैब में भी देख सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो स्ट्रिप हैं ये गोल्ड की होती है। ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसे कि हमारे द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रोस्कोप काम करेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ लाइटनिंग कि लाइटनिंग का प्रोडक्शन कैसे होता है। अभी चैप्टर की जो हमने शुरुआत की थी वो लाइटनिंग से की थी, लेकिन ये होता कैसे है, कैसे प्रोड्यूस होती है लाइटनिंग। वास्तव में जो लाइटनिंग है वो इलेक्ट्रिक चार्जेज ही हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो करंट इतना ज़्यादा नहीं होता, हमारे जो सिंपल ऑब्जेक्ट हैं उनमें इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो हमें शॉक दे सकें, लेकिन थोड़ा सा शॉक तो आप महसूस भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो कभी आप किसी प्लास्टिक के झूले पर झूले हों या प्लास्टिक के चेयर पर बहुत देर से बैठे हैं और कभी आपने वहाँ से उठकर किसी मेटल के ऑब्जेक्ट को टच किया हो तो आपको हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक फील हुआ हो, तो उसी को हम चार्ज कहते हैं। इसी तरीके से आप डेली लाइफ में जब हम सर्दियों में अपनी स्वेटर को पहनते हैं या उतारते हैं तो वो चार्ज हो जाती है, उसके अंदर हमारी स्पार्कलिंग देख सकते हैं और हम थोड़ी सी साउंड भी उसमें सुन सकते हैं, वो भी हमारे सिंपल इलेक्ट्रिक चार्जेज ही थे। लेकिन यहाँ पर हम लाइटनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चार्जेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइटनिंग देख पाते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि लाइटनिंग इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट विद ए थंडर क्लाउड वे अप इन द स्काई, मैनी स्मॉल बिट्स ऑफ आइस फ्रोजन रेन ड्रॉप्स बम्प इनटू ईच अदर, दे मूव अराउंड द एयर, ऑल ऑफ दोज कॉलिजन्स क्रिएट ए इलेक्ट्रिक चार्जेस। यानी कि जब जो बूंदे हैं पानी की वो फ्लोट करती रहती हैं बादलों में और जब वो एयर के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो जो अलग अलग तरह के चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करके लाइटनिंग प्रोड्यूस करती हैं। इसको और अच्छी तरीके से हम नेक्स्ट डायग्राम में समझ रहे हैं। ये आप डायग्राम देख पा रहे हो, इसमें आपको दो तरह के क्लाउड यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, दो तरह के चार्जेस देख पा रहे हैं। होता क्या है कि दो तरह के जो क्लाउड हैं जिन पर डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे वो एक दूसरे के पास आएंगे स्पार्किंग होगी, वो स्पार्किंग जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है कहाँ, अर्थ में,
अगर वहाँ नज़दीक में आसपास ट्रीज हो, कोई बिल्डिंग हो या फिर कोई इलेक्ट्रिक रोड हो, तो वो जो है वो चार्जेस नीचे पास हो सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके की लाइटनिंग आप इस में देखते हैं। ये जो है यहाँ पर वही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हुआ कि यहाँ पर जो डिफरेंट चार्जेस जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और इसी तरीके से जो हमारे अर्थ के आसपास वाले जो ट्रीज़ हैं या दूसरे हैं, उन पर भी अलग तरह का चार्जेस प्रोड्यूस होता है। तो ये डिफरेंट चार्जेस जब एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है कि लाइटनिंग होती है, स्पार्किंग होती है। जैसे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ ब्रेक्स द एयर इंटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। हमें पता है कि जो एयर है वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है, लेकिन मॉइस्ट एयर इस समय क्या होता है कि इन चार्जेस के कारण जो एयर है उनमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। द एयर इज देन मोमेंट्री वेरी मच ए मेटल वायर, और मेटल वायर की तरह काम करेगी और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नीचे की तरफ पास हो जाएगा। द ह्यूज नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ द क्लाउड फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग एयर डाउन द अर्थ इफ एनी ट्री और बिल्डिंग कम इन द पाथ ऑफ दिस फ्लोइंग करंट दिस ऑब्जेक्ट गेट ब्रंट और सीरियसली डैमेज। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये लाइटनिंग इतनी ज़्यादा होती है इसका करंट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ के कॉन्टैक्ट में हो अगर इनके बीच में आ जाए तो बुरी तरीके से डैमेज हो सकता है। वो कोई पेड़ हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई लिविंग बॉडी हो सकती है। तो इसलिए लाइटनिंग जो है वो डेंजरस है। उसके बाद है अर्थिंग, कि ये जो लाइटनिंग का प्रोसेस है, हमें अभी पढ़ा कि जब जो चार्जेज हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी से टच होने के बाद भी अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम अर्थिंग कहते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। और ये जो प्रोसेस है ये किया जाता है हमारी बिल्डिंग्स में, हमारी बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से बचाने के लिए। तो हम समझ लेते हैं, या फिगर देख पा रहे हैं, ये फिगर देख पा रहे हो आप, इसमें एक बिल्डिंग दिखाई गई है, इसमें एक लाइटनिंग रोड है और यहाँ पर इस तार को हमने पास किया है अर्थ के अंदर, और इस ये रोड जो है वो इस तरह की भी हो सकती हैं। तो ये प्रोसेस होता कैसा है समझ लेते हैं हम। ये देखो, क्या फिगर में अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये क्लाउड आ गए हैं कहाँ, हमारी जो बिल्डिंग है उसके आसपास आ गए हैं, और जो ये जो हैं चार्जेस हमारी बिल्डिंग पर हैं, और जब इन दोनों के बीच में हम कहेंगे कि कांटेक्ट होता है तो ये लाइटनिंग को इस रोड के थ्रू अर्थ में पास कर देता है। ये देखिए, यहाँ एक मेटल की प्लेट लगी हुई है और इस तरीके से ये अर्थिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है और हमारी बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं होता। ये वही डायग्राम है। उसके बाद है लाइटनिंग सेफ्टी, कि हमें पता है कि जो लाइटनिंग है वो हमारे लिए डेंजरस है, तो हमें लाइटनिंग के लिए क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। और ये सेफ्टी जो है वो आप सेवन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे आउटडोर और इंडोर दो तरह की सेफ्टी हैं। तो इंडोर में हम क्या क्या करेंगे देखो आप, ये जो भी यहाँ फिगर देख पा रहे हो, इस फिगर में अलग अलग तरह के सेफ्टी पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है नो कॉरेडेड फोन्स सेलुलर और कॉर्डल्स फोन्स आर ओके। कह रहे हैं कि जो हमारे फोन्स हैं जो कि हमारे कैसे हैं जो कि तार से रिलेटेड हैं, वो हमें नहीं लेने चाहिए, और जो हमारे सेलुलर फ़ोन हैं वो हमारे लिए सेफ हैं। अगला पॉइंट है डोंट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर टीवी कॉर्ड्स रिमूव कंट्रोल आर ओके। यानी कि हमारे जो तार हैं जिनसे भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट है उनको हमें नहीं छूना चाहिए। वो टीवी हो सकता है, हमारा फोन कंप्यूटर हो सकता है, और अच्छी बात तो ये रहती है कि हमारा जो मेन कंट्रोल है मीन्स मेन स्विच है उसको ऑफ कर दें। उसके बाद अगला पॉइंट है
अवॉइड पंपिंग, डू नॉट वॉश योर हैंड्स, टेक ए शॉवर और वॉश डिशेज। यानी कि हमारे पानी रनिंग वाटर में कोई काम नहीं करना चाहिए, तो हम रनिंग वाटर से दूर ही रहेंगे। अगला पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज एंड डोर्स एंड स्टे ऑफ पोर्चेस। यानी कि हमारी जो खिड़की दरवाजे हैं उनको बंद कर दें और अंदर ही रहें। डू नॉट लाई ऑन कंक्रीट फ्लोर और लॉन अगेंस्ट कंक्रीट वॉल्स। यानी कि हमारी जो कंक्रीट वॉल्स हैं, हमें पता है कि जो कंक्रीट वॉल्स यानी कि दीवारें हैं उनमें रोड्स होती हैं लोहे की, वो करंट पास कर सकते हैं, इसलिए हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। प्रोटेक्ट योर पैट्स, डॉग हाउसेज आर नॉट सेफ शेल्टर्स। डॉग हाउसेज यानी कि जो हमारे घर के बाहर हम डॉग्स के लिए छोटा सा घर बना देते हैं, वो उनके लिए सेफ नहीं है। और जो हमारे और भी पैट्स हैं, अगर वो घर से बाहर हैं तो हमें उनको घर के अंदर लेना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमको घर के अंदर जो है वो हमारा सबसे सेफ पॉइंट है। एक ये और फिगर आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको व्हेन थंडर रोयर्स गो इनडोर्स, यानी कि सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप अपने घर के अंदर चले जाएं और 30 मिनट तक, यानी कि जब तक आपको जो लास्ट थंडर है वो सुनाई ना दे तब तक, उसके 30 मिनट बाद ही आप बाहर जाएं। उसके बाद हैं ये कुछ आउटडोर सेफ्टी पॉइंट्स हैं कि हम क्या करें। सबसे पहले घर का तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो सेफेस्ट है वो हमारा होम है, जैसे कि इस फिगर में भी आपको दिखाया गया है कि जो सेफेस्ट प्लेस है वो हमारा होम है। उसके बाद जो हमारी छोटे पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, वो हमारे लिए सेफ नहीं है, आप ये देख पा रहे हैं। इसके अलावा जो कार है वो हमारे लिए सेफ है। क्यों है वो कार सेफ हमारे लिए? क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो हार्ड है और जो उसके टायर हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को अर्थ के अंदर नहीं जाने देते, और इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी से सेफ रखते हैं या हम लाइटनिंग से सेफ रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, इसमें बताया है कि अगर आप घर से बाहर हों तो आप अपने आप को जितना छोटा कर सकें छोटा करें, मीन्स इस तरीके से बैठ जाएं कि आपकी बॉडी सबसे छोटा रूप ले ले। उसी के लिए आपको अगले डायग्राम में दिखाया गया है कि स्केट ऑन द ग्राउंड, ये फिगर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें ये घुटनों पर बैठ जाते हैं और अपनी बॉडी को हम सबसे छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ तक ही हम आज इस लेसन को रीड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन शुड बी रीड इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो गुड बाय, हैव ए नाइस।